उदाहरण 9, इन प्रश्नों को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। पहला, 40 अरब 60 करोड़। हमारे पास प्रश्न में है 40 अरब 60 करोड़। इस संख्या को कहीं हम घात के रूप में लिखे तो हम इसे लिख सकते हैं 406 गुणित 10 का घात 8। अब हमें इसे मानक रूप में लिखना है। मानक रूप में लिखने के लिए हम जानते हैं कि किसी संख्या का मानक रूप उसे 1 से 10 के बीच में दर्शाकर उसके गुणक को 10 की घातांक में प्रदर्शित करना होता है। अतः हम 406 गुणित 10 का घात 8 को 4.06 गुणित 10 का घात n के रूप में लाना चाहते हैं। स्पष्ट है कि 406 को हम 4.06 के रूप में लाने के लिए हमें इसमें 100 का भाग देना होगा। हम मूल संख्या 406 गुणित 10 का घात 8 में 406 गुणित 10 का घात 8 में 100 बटा 100 से गुणा करके करेंगे, जिससे मूल संख्या का मान ना बदले। आगे देखेंगे, हम यहाँ पे 406 इस बटे 100 को, जो कि हर में है, इसे हम यहाँ लेंगे 406 बटा 100 गुणित 10 का घात 8 गुणित 100 को हम लिखेंगे 10 का घात 2 बराबर 406 बटा 100 को जब हम भाग देंगे तब दशमलव में हमें प्राप्त होगा 4.06 गुणित, हमारे पास 10 का घात 8 गुणित 10 का घात 2 है। यहाँ आधार समान है तो आधार को हम एक बार लिखेंगे और घात को जोड़ देंगे 8 धन 2। यहाँ पे हमने घातांक का गुणा का नियम ए का घात m गुणित ए का घात n बराबर ए का घात m धन n का प्रयोग किया है, बराबर 4.06 गुणित 10 का घात 8 धन 2 बराबर 10। तो हमें प्राप्त हुआ 4.06 गुणित 10 का घात 10। यह उदाहरण का हल होगा। दूसरा, 21 खरब 50 अरब। हमें संख्या 21500000000 को मानक रूप में व्यक्त करना है। इसे हम पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। तो संख्या हमारे पास है 21 खरब 50 अरब। इसे हमें मानक रूप में लिखना है तो इसे हम लिख सकते हैं 215 गुणित 10 का घात 0 हमारे पास 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 का घात 10, 215 गुणित 10 का घात 10। हम जानते हैं कि किसी संख्या का मानक रूप उसे 1 से 10 के बीच में दर्शाकर उसके गुणक को 10 की घात में प्रदर्शित करना होता है। अतः हम 215 गुणित 10 का घात 10 को 2.15 गुणित 10 का घात n के रूप में लाना चाहते हैं।
स्पष्ट है कि 215 को 2.15 के रूप में लाने के लिए हमें उसमें 100 का भाग देना होगा। हम मूल संख्या 215 गुणित 10 का घात 10 में 100/100 से गुणा करेंगे, जिससे मूल संख्या का मान ना बदले, बराबर 215। यहाँ पे जो हर में 100 है, इस 100 को हम 215/100 लेंगे, फिर 10 का घात 10 गुणित 10 का घात, 100 को हम 10 का घात 2 के रूप में लिखेंगे, बराबर 215/100 को जब हम दशमलव में लिखेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 2.15 गुणित 10 का घात 10 गुणित 10 का घात 2, यहाँ आधार 1 है तब घात जुड़ जाएंगी, घातांक का नियम हमने यहाँ प्रयोग किया, a का घात m गुणित a का घात n बराबर a का घात m धन n बराबर 2.15 गुणित 10 का घात 12, जो कि मानक रूप में व्यक्त हुआ। यह उदाहरण का हल होगा।